अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, अभी देख सकते हैं ये टमाटर, हरी मिर्च, ये चिकन है 1 केजी, ये इसमें चावल भगो दिए 1 केजी, ये अदरक पेस्ट, ये प्याज रख दी ब्राउन, बाद में डालेंगे जब तैयार हो जाएगा। और इसमें पहले चिकन सालन बनाएंगे। और ये आज हमारे शफीक भाई हैदराबादी बिरयानी बना के खिलाएंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे हमें मालूम नहीं है, शफीक भाई से सीखेंगे और बाद में बना के फिर यूट्यूब पे डालेंगे वीडियो। नहीं, बोलो बोलो। अभी ये अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं प्याज के अंदर और इसको ब्राउन करेंगे, और इसके बाद फिर चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अभी इसमें ऐड करेंगे चिकन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चिकन ऐड हो गया हमारा। अभी इसको अच्छे से पकाएंगे, पकाने के बाद अभी चावल बॉईल करेंगे। ये टमाटर और हरी मिर्च बाद में ऐड की है, इस वजह से कि ये जो चिकन की स्मेल होती है ये ख़त्म हो जाती है इस वजह से। ये देख सकते हैं, ये टमाटर गल चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करने जा रहे हैं। ये है बिरयानी मसाला और ये हमने दूसरा लिया मिक्स मसाला, ताकि थोड़ा स्पाइसी, क्योंकि हमें स्पाइसी पसंद है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद हो। और ये नमक भी आप अपने हिसाब से डालें, आपने कम खाना है ज़्यादा खाना है। अभी तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच लिया हुआ है। और ये हमने चावल बॉयल के लिए रख दिए हैं, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और आयल। ये ज़ीरा इसलिए खुशबू के लिए, और आयल जो ऐड किया है वो है ये जो आपस में जुड़ जाते हैं ना चावल, ये खिले खिले रहें इस वजह से। और हमने ये यूज़ किया बम्बई बिरयानी मसाला मेहरान वालों का, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसकी। ये है 65 ग्राम है, ये देख सकते हैं 65 ग्राम है एक पैकेट में, और वो हमने एक पूरा डाल दिया है 1 केजी चिकन में, और 1 केजी चावल है हमारे पास। और ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप, एकदम रेडी है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसमें। ये देखें, ये हमने आग नीचे से बंद कर दी है, क्योंकि इसमें दही ऐड करेंगे तो ये फट जाता है दही, इस वजह से आग हमने बिल्कुल बंद कर दी है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है फिर थोड़ा सा इसको हल्की आंच पे थोड़ा पकाएंगे, और हमारा ये चिकन रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं, ये हमारे शफीक भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आज। आज देखते हैं क्या टेस्ट है। ये देखें, बिल्कुल हल्की सी आंच कर दी है। बिस्मिल्लाह, ये हमारे चावल बॉईल हो गए हैं। अभी इसमें से पानी निकाल देंगे, और चावल ज़्यादा नरम नहीं करने, थोड़े से खड़े रखने हैं, दम में हो जाएंगे बहुत। माशाल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये हमारे शफीक भाई, इनके हाथों की आज बिरयानी खाएंगे, हैदराबादी बिरयानी। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये है जी चिकन, नीचे चिकन डालेंगे, उसके बाद ऊपर चावल डालेंगे थोड़े, फिर चिकन, फिर चावल, फिर इसको दम लगा देंगे।
ये चावल आ गए हमारे माशाल्लाह। थोड़े इसको सीधे करके इसके ऊपर और चिकन डालेंगे। चिकन के बाद फिर चावल। अभी लगता है शफीक भाई सारे चिकन डाल देंगे और ऊपर चावल डाल देंगे। और ये सब चावल हो गए। और ये जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो भी डाल देंगे इसके ऊपर। और ये कलर कलर इसमें डाल देंगे हल्का हल्का। ये प्याज डाल दी और ऊपर हरी मिर्च। अभी इसको ये देखें कैसा लग रहा है। अभी दम लगा देंगे इसको। ये दम लगाया जा रहा। ये जी दम लग गया और हल्की आंच खोलेंगे इसके नीचे। ये हमने दम लगा दिए। ये देखें हल्की आंच के ऊपर। और ये देश का जो ऊपर रखा है इसमें पानी डाल के रखा है वजन के लिए ताकि बाफ निकल ना सके बाहर इस वजह से। अभी हम रायता बनाएंगे। 2 स्पून ये डाल लेंगे। इसमें धनिया हरी मिर्च और पुदीना मिक्स है और 2 दही डालेंगे। हमने ले लिया 2 स्पून और 2 दही डालेंगे और थोड़ा नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी ये देख सकते हैं थोड़ा सा सेटअप नहीं है मोबाइल का रखने के लिए वजह से। ये रायता हमारा तैयार हो रहा है। आधा कप इसमें ये ऐड कर देंगे पानी।
माशाल्लाह ये देख सकते हैं ये तैयार हो गया हमारा रायता। माशाल्लाह जी ये देखें तैयार हो चुकी है हमारी बिरयानी। अभी हम खा के बताएंगे कि कैसी लगी। जी अभी हम खा के बताएंगे। वाह बहुत 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 ही आला। भाई कुछ कमेंट दे सकते हैं कमेंट सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भाई भाई कैनल को दबाएं ताकि आपको अगली जो रेसिपी हो एकदम ऊपर मिले।